नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी न्यूज के एक और धमाकेदार एपिसोड में। दोस्तों, एक बार हम फिर से बात करने वाले हैं टाइगर श्रॉफ की इस साल की सबसे धमाकेदार साईफाई एक्शन थ्रिलर फिल्म, जिसका की टाइटल था पहले गणपत पार्ट वन, लेकिन अब इस फिल्म के टाइटल को बदलकर गणपत ए हीरो इज बॉर्न रख दिया गया है। इस फिल्म के रिलीज में लगभग एक महीने से भी कम का समय बचा है, लेकिन आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म के टीजर के लिए लोगों के बीच में एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ते जा रही है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये फिल्म टाइगर श्रॉफ के करियर की सबसे बड़ी फिल्म भी बन सकती है। इसी बीच फिल्म के पहले गाने को लेकर भी सबसे बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ गई है। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि इस फिल्म के पहले गाने का टाइटल सारा जमाना हो सकता है, जो कि अमिताभ बच्चन जी की पुरानी फिल्म से लिया गया है, और बताया जा रहा है कि इस गाने को इसी महीने में रिलीज किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस गाने को फिल्म के टीजर के लगभग 5 से 6 दिन बाद ही रिलीज कर दिया जाएगा और अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये गाना 30 तारीख तक रिलीज हो सकता है। इस गाने में कृति सेनन और टाइगर श्रॉफ दोनों ही अपने धमाकेदार डांस स्टेप से सभी का दिल जीतने वाले हैं। और साथ ही आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि टाइगर श्रॉफ की फिल्म ने बुक माई शो पे लगभग 20,000 इंटरेस्ट क्रॉस कर लिए हैं। तो आप सभी टाइगर श्रॉफ की इस फिल्म को देखने के लिए कितना एक्साइटेड है, आप सभी की राय में कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे अपडेटेड न्यूज के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मूवी न्यूज को।